लूंगा अभी अभी सेल्फी ले ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? सो हो गई हूँ मैं रेडी, फटाफट से काम निपटा के रेडी हुई हूँ मैं। और आज हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। एक तो हमारे घर के सामने फंक्शन है और एक और है जो हमारे ससुराल साइड का फंक्शन है, बट वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मम्मी ने बोला कि हम सामने चलते हैं। तो हमारे घर पे 3-4 फंक्शन सेम डे है, तो हर जगह दो दो लोग डिसाइड हो गए हैं कि वो चले गए हैं। 3 फंक्शन हैं तो तीनों जगह दो लोग चले गए हैं। सो मैं और मम्मी जा रहे हैं जो घर के पास वाला फंक्शन है, उसमें पापा जी और ये जाएंगे दूसरे फंक्शन में। और आज ही धनवी का बर्थडे भी है, 11 मंथ बर्थडे, तो उसके लिए भी हमें केक वेक कट करना है। तो अभी हम थोड़ी देर में वहाँ से आके तब केक कट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे ही लेट हो चुके हैं। एंड गाइज, आप लोग हमेशा मेरा जो लुक है वो सिमिलर ही दिखता है। गोल्ड पहना है मैंने क्योंकि मम्मी ने बोला कि गोल्ड ज्वेलरी पहन लो। हेयर स्टाइल हमेशा सेम रहता है क्योंकि यार सर पे पल्लू रखना होता है, तो हेयर स्टाइल बनाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है क्या ही हेयर स्टाइल बनाए, इसीलिए सिंपल ही रख लिया है। एंड मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो भाई ने दी थी राखी पे। अब चलते हैं फंक्शन में एंड वहाँ पे आपको दिखाते हैं, सबसे मिलते हैं। आज हमारे सेक्टर में है तो सेक्टर के लोगों से मिलवाते हैं एंड चलो चलते हैं। दादी आज चल गए, ये निशांत, ये पतिदेव और ये दादी। हाँ चलो मम्मी, यही चप्पल पहन के जाओगे देखना। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, shining like a gem in the sunlight, we were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind, oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, been made a shot straight in. अब केक काटेंगे, अब धनवी का केक काटेंगे, अगला बर्थडे तो इतना अच्छा होगा। अब पापा जरा कटोरिया केकरा से मांगा तो नहीं, हम भी तो रख लिया, जरा ना बुझाएगा। पापा जी पीछे से कह रहे एक कटोरिया, कह रही पापा जी मुझसे ऐसे क्यों बोल, हमरा लगल हमरा के चीनी अना रहल। ये छिंदर छा केक तो मेकअप करेगा मेरे बाबू, तो फोन कॉल करनी है दूसरा कि उसे तो काटना नहीं। दादी ये देखो केक, ओ मेकअप का केक, ये खाने वाले हैं तो थोड़े खाने वाले, ये बंदरी, ये बंदरी, चलो कटवा।
आ जाऊंगा अभी अभी सेल्फी ले लेंगे फुको फुको मैं उठ जाऊंगी जल्दी पापा थूकी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू धनी हैप्पी बर्थडे टू यू राम राम बता दो सब देख रहे हैं कि सब क्या कर क्या रहे हैं क्या बात करती हो पापा जी कहीं कार बनल बा केक पर मेकअप बनल ये ग्यारह महीने के हो गए मम्मी देखते देखते बस मन गया बर्थडे बबनी का लो भाई मन गया बर्थडे अब अगला बर्थडे तो अच्छा ग्रैंड बनेगा ग्रैंड बनेगा जाओ अपने शाम हरे राम 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 हरे हरे अपने मम्मी के मोबाइल से खुद देख लेंगे है ना निशांत मामी चलो भाई चलो ये तंदे का कपड़ा तो नहीं ये रीता मौसी ये संगीता मौसी ये सुनता मौसी ये रंजीत वो मामी बाप ये दिव्या ये सारे मामी मम्मी और पूजा अनु प्रीति प्रीति सुजीत ये धनुआ अर्चना ये सारे मामी और सारे भैया और सारे कम पड़ जाएगा मम्मी एक एक करके सबका नाम लेगी सबको दूर से केक खिला दिया और आप सब्सक्राइबर्स को मम्मी मेरे सब्सक्राइबर्स को ये मेरे सब्सक्राइबर को केक बाय बाय जाए पापा जी आज तो खुश हो गया मेरा धनौली के सबके उसे मिले पापा जी की खुशी चलो बाय मम्मी सो गाइस हो गया सेलिब्रेशन धनवी का हमने कर लिया केक कटिंग धनवी का कटिंग है और हम लोग पार्टी से भी आ गए ठीक है इतनी जल्दी जल्दी तैयार होके इतना जल्दी जल्दी मेकअप करके गई और थोड़ा मतलब हम लोग थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गए थे इनके आज लगन सगाई थी सो लेट हो गए थे तो वो सारी चीज़ें चढ़ गई थी और ऐसा कोई स्पेशल था नहीं वहाँ पे मतलब ऐसा कोई फंक्शन जो हम मैं आप लोग से शेयर करूँ तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉगिंग किया और एक तो मैं यहाँ सेक्टर की पार्टी थी तो सारे पापा जी के जानने वाले थे तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह कैमरा वगैरह थोड़ा सा ऑफ रखा ज़्यादा नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता हर जगह ब्लॉगिंग करना हर जगह कैमरा ऑन करना जितना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाया मैंने आप सभी के साथ शेयर किया रिकॉर्ड करके एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अब मम्मी और ये और पापा जी चले गए हैं पापा जी के साइड से मतलब मेरे ससुराल साइड किसी का फंक्शन है जहाँ पे मैं ब्राइड हूँ ओ सॉरी ब्राइड हूँ कह रही मतलब मेरी नई नई शादी हुई है तो उसके बाद से अभी ज़्यादा मैं लोगों से मिली नहीं हूँ कुछ हुआ क्या तो इसीलिए पापा जी ने बोला कि तुम रहने दो अगर मैं जाती तो फिर मुझे यहाँ तक घूंघट करना पड़ता और इतनी गर्मी में धनवी को लेके इतना घूंघट करना मेरे बस की बात नहीं थी तो इसलिए मैंने मना कर दिया ना मम्मी मैं नहीं जाऊँगी आप लोग जाओ अब हम लोग जा रहे हैं बाहर से कुछ ऑर्डर करने मैं हूँ निशांत है और धनवी है हम बाहर से कुछ ऑर्डर करके और खाएंगे क्योंकि पार्टी में हमने इतना कुछ अच्छे से खाया नहीं भूख लगी हुई है जब हम लोग वैसी जगह जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमें मर्यादाओं में रहना होता है जहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम गए एक तो हमारे पूरे सेक्टर में ना पहली ऐसी पार्टी थी जहाँ पे मैं गई हुई हूँ तो वहाँ ना थोड़ा सा पापा जी का सर्कल है एंड जहाँ पे हम जिस तरीके से रहते हैं ना पहली बार जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से हमें पूरा आगे तक हमें जज किया जाता है कि हाँ उनकी बहू आई थी तो वो ऐसे रहती थी ये रहती थी तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि यार फर्स्ट टाइम कहीं गए हो तो वहाँ ज़्यादा इधर से उधर कूदती खाती पीती तो वही एक इमेज बन जाती है ना
सो कि अरे वो तो ऐसे है, ये है, वो है, लोग वही बातें करने लग जाते हैं। और कहीं जाओ, अच्छे से रहो, तो बड़ाई होती है, हमारी बड़ाई ना हो बट हमारे फैमिली की होती है। जैसे मेरे पापा जी अगर कभी जाएंगे तो कोई भी उनसे यही कहेगा ना कि उनकी बहू ही ऐसे थी। ठीक है, अगर मैं चाहती तो मैं उधर कूद फांद के अपनी एक अलग इमेज बना सकती थी, बट मैंने सोचा कि नहीं 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 मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैं सही बताऊँ ना कि मुझे ना ज़्यादा बोलना पसंद है, मुझे इधर से उधर घूमना कूदते फांदते रहना पसंद है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को ओवर एक्टिंग या दिखावा भी कहते हैं, बट मेरा जो रियल नेचर है ना गाइज, वो यही है कि मुझे लगता है मुझे सबसे बात करनी है, मुझे सबसे अपना एक स्पेशल बॉन्ड बनाना है। मैं ये चाहती हूँ ना लाइफ में मैं सबसे अच्छे से रहूँ। वो बात अलग है कि अगर सामने वाला मेरे से अच्छे से ना रहना चाहे तो फिर, मतलब देखो मेरा प्यार बहुत अच्छा है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ, मैं एक सच्चे दिल से रिश्ते निभाती हूँ चाहे वो कोई भी हो उसके साथ। बट जिस पे, मतलब जिससे मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, ये इंसान मुझे नहीं पसंद है, उस इंसान से मैं बहुत दूर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हूँ। मैं इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, फिर मुझे ऐसा मेरे एक ही बार मेरे मन में होता है कि हाँ, एक ही बार मतलब एक कोई चीज़ ना बैठ जाती है, फिर वो चीज़ निकल नहीं पाती, मैं भुला नहीं पाती चीज़ें। तो बस मेरे साथ थोड़ी सी ये दिक्कत है, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी रिलेशन हो, जहाँ मुझे लगता है ना कि ये रिलेशन मुझसे नहीं चल सकता, ये रिलेशन थोड़ा सा वैसा है, ये नहीं चल रहा है मुझसे, तो मैं दिखावटी नहीं करती। सीधी सी बात है कि मैं दिखावा नहीं कर पाती हूँ कि जो रिलेशन मुझसे नहीं चल रहा है, ठीक है, वो रिलेशन मुझे ऐसे लग रहा है कि ना ये सामने वाले ठीक से चला पा रहे हैं, ना मैं ठीक से चला पा रही हूँ, तो वहाँ मैं थोड़ा सा ना टाइम दे देती हूँ, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ कि ठीक है ऐसे करके देख ले कि अब तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाए बस। और जिससे मैं दिल से चलाती हूँ उसका तो भाई, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जिन जिनसे मैं दिल से अपने रिश्ते चलाती हूँ उनके साथ मेरा कितना स्पेशल बॉन्ड है। बहुत सारी बातें हो गई ना, कितना पका दिया मैंने। चलो गाइस, मैं व्लॉग को एंड करती हूँ या देखती हूँ, जब तक मम्मी वगैरह आ जाते हैं तब तक 11 बज चुके हैं और हमने फट से धन्वी का केक कट किया पार्टी से आके, वरना अगर हम केक कट नहीं करते तो 12 बज जाते, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता और फिर रह जाता, तो इसलिए हमने कट कर लिया केक। अब ब्लॉग को कर रहे हैं हम।